नमस्कार दोस्तों आई एस पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जैसे कि हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए फिल्मी प्लस करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लाए थे वैसे ही हम इंडियन हिस्ट्री से थाउजेंड प्लस एमसीक्यू सीरीज आप लोगों के लिए लाए हैं तो ये पार्ट वन है अगर आप लोगों को लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं अदरवाइज आई एस एप एप इंस्टॉल कीजिए तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित इवेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कीजिए तो फर्स्ट है सेकंड कार्नेटिक वॉर सेकंड है बैटल ऑफ बक्सर थर्ड है फर्स्ट एंग्लो मायसूर वॉर और फोर्थ है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर देखिए सेकंड कार्नेटिक वॉर का समय काल था 1749 से लेकर 1754 तक बैटल ऑफ बक्सर का समय काल था 1764 फर्स्ट एंग्लो मायसूर वॉर का समय काल था 1767 से लेकर 1769 तक और फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का समय काल था 1775 से लेकर 1782 तक इसलिए फर्स्ट होगा यहाँ पर सेकंड कर्नाटिक वार सेकंड होगा बैटल ऑफ बक्सर थर्ड होगा यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो माइसो वार और फोर्थ होगा यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो मराठा वार तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रूलर के द्वारा गठन किया गया था फॉरेन कंट्री पर एम्बेसी तो टीपू सुल्तान के द्वारा फॉरेन कंट्री पर एम्बेसी गठन किया गया था टीपू सुल्तान थे माइसोर के रूलर इसके साथ ही साथ टीपू सुल्तान थे जैकोबिन क्लब के मेंबर तो टीपू सुल्तान के द्वारा इनका जो कैपिटल था सीरंग पत्तनम. सीरंग पत्तनम पर ट्री ऑफ फ्रीडम प्लैंड किया गया था और टीपू सुल्तान का मौत हो गया था फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर के दौरान सेवनटीन में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री

थर्ड था उदयपुर 1850 और यहाँ पर था फर्स्ट ठीक है तो फर्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है उदयपुर को शामिल किया गया था तो ऐसे ही नहीं है थर्ड शामिल किया गया था उदयपुर को ठीक है एटीन में फोर्थ था नागपुर एटीन फिफ्थ था झांसी एटीन और सिक्स था अवध एटीन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पर पूछा गया है

स्ट्रेचे कमीशन ऑन फेमाइन फॉर्म किया गया था तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिटन देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा फेमाइन कमीशन गठन किया गया था इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फेमाइन कमीशन है कमीशन जॉन लॉरेंस समय काल में स्ट्रेचे कमीशन लॉर्ड डाफरिन के समय काल में मैकडोनल कमीशन लॉर्ड कार्जोन के समय काल में और उडेट कमीशन लॉर्ड लॉर्डल के समय काल में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के द्वारा संस्कृत कॉलेज एस्टाब्लिश किया गया था हिंदू लॉ एंड फिलोजोफी अध्ययन करने के लिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जोनाथन डानकान देखिए 1791 में जोनाथन जोनाथन दान, के द्वारा वाराणसी पर हिंदू लॉ और फिलोजोफी अध्ययन करने के लिए संस्कृत कॉलेज गठन किया गया था मेन पर्पज था इट क्वालिफाइड इंडियन टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन द कोर्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन तो यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट के बारे में तीन स्टेटमेंट दिया गया है पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट है द फैक्ट्री एक्ट वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉटरी सेकंड सेकेंड है द फैक्ट्री एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रोटेक्शन ऑफ द अंडर एज वर्कर्स थर्ड है द फर्स्ट कमीशन ऑफ इंडियन लेबर वॉज देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉट रिपन बिल्कुल सही है सेकंड स्टेटमेंट देखिए द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रोटेक्शन ऑफ द अंडर एच वर्कर्स ये भी बिल्कुल सही है बट थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि फर्स्ट कमीशन ऑफ इंडियन लेबर ये सेटअप किया गया था एटीन सेवेंटी फाइव में और यहाँ पर है एटीन नाइनटीज ठीक है तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है मेन पर्पज क्या था मेन पर्पज था टू स्टडी द वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन इंडियन फैक्ट्रीज ठीक है तो इसके बाद ही जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ इंडिया ये पास कर दिया गया था 1881 में ठीक है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अब लोग प्लीज मार्क करके रखिएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर वन एंड टू ऑनली नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट तो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिया गया है पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट है हेस्टिंग्स इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि लॉर्ड कॉर्नलिस को कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया और लॉर्ड कॉर्नॉलिस के द्वारा प्राइवेट ट्रेड बैंड कर दिया गया था तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सेकेंड स्टेटमेंट देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज ओपन इन कोलकाता बाय लॉर्ड वेलेसली इन 1800 फॉर ट्रेनिंग यंग पीपल कमिंग इन टू सिविल सर्विसेज ये बिल्कुल सही है थर्ड स्टेटमेंट देखिए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वाज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज तो ये गलत है तो फर्स्ट सिविल सर्विसेज क्लियर किया गया था सत्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ठीक है तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नहीं था इसलिए सी यहाँ पर सही हो जाएगा टू ऑनली तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट थ्री पर गलत है ओनली स्टेटमेंट टू यहां पर सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन तो यहाँ पर वुड के बारे में तीन स्टेटमेंट दिया गया है पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है फर्स्ट स्टेटमेंट है वुड उपेज इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बिल्कुल सही है है, 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 तो तो पर पर ही गलती ठीक नहीं था तो डेस्ट पर प्रोपोज किया गया था इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द जनरल पब्लिक ठीक है इसके साथ साथ ये भी प्रोपोज किया गया था कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास पर इंग्लिश एज ए मीडियम के तौर पर जो हायर एडुकेशन है हायर एडुकेशन पर यूज करना चाहिए ठीक है तो इसलिए देखिए फर्स्ट था वुड इज कॉल्ड द मैग्ना काटा ऑफ इंडियन एजुकेशन बिल्कुल सही है इट रिकमेंड इंग्लिश टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल इसलिए गलत हो जाता है ए, हर मतलब ऑल लेवल पर नहीं था थर्ड स्टेटमेंट है इट टॉक्ट अबाउट इनकरेजिंग प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ये बिल्कुल सही है ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर वन एंड थ्री ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिया गया है फर्स्ट है सोम प्रकाश तो सोम प्रकाश के साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर नेशनल हेराल्ड के साथ मोतीलाल नेहरू आल हिलाल के साथ कौन है अल हिलाल के साथ है यहाँ पर अबुल कलाम आजाद और हमदर्द के साथ है मोहम्मद अली जिन्ना ठीक है तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 हु फॉर्मड संगत सभा तो संगत सभा गठन किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 तो यहां पर पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन 1916 तो इनमें से कौन सा व्यक्ति के द्वारा फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी 1916 में गठन किया गया था तो इसका सही आंसर होगा डी के कारवे देखिए

वाज द एड्रेस गिवेन बाय द स्वामी विवेकानंद एट द दिकागो वर्ल्ड रिलीजियन कॉन्फ्रेंस देखिए स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा चिकागो वर्ल्ड रिलीजियन कॉन्फ्रेंस पर स्पीच दिया गया था 1893 पर ठीक तो है और रामकृष्ण मिशन कब गठन किया गया था रामकृष्ण मिशन गठन किया गया था 1897 पर ठीक है तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 हु वाज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन एटीन तो फर्स्ट प्रिंसिपल कौन थे अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के थियोडोर बेग ठीक है और किनके द्वारा गठन किया गया था गठन किया गया था सैर सैयद अहमद खान के द्वारा गठन किया गया था अलीगढ़ अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब गठन किया गया था 1875 में गठन किया गया था और मेन पर्पस क्या था मेन पर्पस था मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना इन मुस्लिम सोसाइटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है The self-respect movement was started by which of the following? तो so, self-respect movement इनमें से किनके द्वारा so, start किया गया था तो self-respect movement start किया गया था रामास्वामी नायकर के द्वारा ठीक है तो रामास्वामी नायकर को कहा जाता है पेरियर कहाँ पर कहा जाता है तमिलनाडु पर कहा जाता है और इनके द्वारा सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट तमिलनाडु पर चलाया गया था 1925 पर ठीक है मेन ऑब्जेक्टिव क्या था मेन ऑब्जेक्टिव था नॉन ब्राह्मीण कम्युनिटी को जागृत करना इसके साथ ही साथ उन रिलीजियस टेक्स्ट को अपोज करना जिसमें सोशल इनक्वालिटी को बढ़ावा दिया गया है उसको ठीक है तो यह है एंड ऑफ दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल